a leader of the house ho, वो जब भी जी चाहे वो बोल सके. हमारा लीडर ऑफ द ऑपोजिशन साहब को भी बोलने नहीं दिया. जहां तक वो अमेंडमेंट्स थे उसमें मैं आपके सामने जरूर डालना है कि हमने क्या प्रपोज करना था. उनका एक एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में अमेंडमेंट्स लेकर आए हैं जहां पावर ऑफ द अरेस्ट में वो पोर्शन हटाया गया है जिससे आपको वारंट की जरूरत है. उन्होंने जो नॉन कॉग्निबल ऑफेंसेस को कॉग्निबल बना के आपका वारंट का हक है. तो मतलब पुलिस को वारंट नहीं लेना पड़ेगा आपको गिरफ्तार करने के लिए अगर इस किस्म का इल्जाम है आप पे. अपोजिशन तो इस किस्म का रवैया नैब के थ्रू और मुख्तलिफ इदारों के थ्रू इंतकामी सलूक तो फेस कर रहे हैं. आप मुझे बताएं इसका इम्पैक्ट क्या होगा आम बिजनेसमैन पे, इकोनॉमिक एक्टिविटी पे क्या इम्पैक्ट होगा जब उनको सोचना पड़ेगा कि खुदा ना खास्ता आपका किसी तरीके से आपने किसी को पे किया वो क्रिमिनल ही टर्न्स आउट टू बी अ क्रिमिनल, वो आपको पकड़ भी सकते हैं और ना ही वारंट लेना पड़ेगा. ये एक हम मोहब्बे वतन होते हुए अपने पाकिस्तानी के हकूक दिफा करने के लिए इस किस्म का अमेंडमेंट्स पेश करना चाह रहे थे. हमें तो बात भी करने नहीं दिया. इस किस्म का जो रवैया है वो पूरा नेशनल असेंबली का फोरम को खराब कर देते हैं. द होल रीजन फॉर अस टू कम हियर इज टू पुट आवर पॉइंट ऑफ व्यू अक्रॉस. उनको सुनना पड़ता है, वो सुनने को तैयार भी नहीं होते. हम अपने अवाम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. हमने आना था उनको समझाना था कि मेरे अवाम सलाब मुतासरीन डूब रहे हैं, चाहे वो मीरपुर खास से ताल्लुक रखे या स्वात से ताल्लुक रखे या गिलगित बल्तिस्तान और बलोचिस्तान से ताल्लुक रखे. एक बहुत पहले से एक मुतालबा रहा है जो हम चाह रहे हैं कि हम एपीसी में उठाए कि स्पीकर साहब ने चाहे वो माजी का बजट सेशन हो या आज का फातिफ का लेजिस्लेशन का ज्वाइंट सेशन हो, जो सबसे बड़ा फोरम है पाकिस्तान की लेजिस्लेशन के लिए, वो ज्वाइंट सेशन होता है. हमें स्पीकर साहब हो हुकूमत हो, हमने इस पॉइंट को उठाना है एपीसी में और हमने मिलकर एक ठोस फैसला लेना है कि कैसे इसको हम सही कर सकते हैं, दुरुस्त कर सकते हैं. मेरे सामने एक ही रास्ता है, वो नो कॉन्फिडेंस. बहुत संगीन इल्जाम लग रहे हैं यहाँ. इसका हमें सिर्फ तब पता चलता अगर वो रिकाउंट जो हमारा हक है वो हमें करने देते. तो हमें ये हम ये समझ टेकिंग कि दे उनका नंबर सही नहीं थे, वो इसके डर से रिकाउंट नहीं करवाए कि वो एक्सपोज हो जाते. और आप देर नो प्रेसिडेंट इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान आप हर काउंट को रिकाउंट करवा सकते हैं, गिनती करवा सकते हैं. आप सिर्फ गिनती तब नहीं करते जब आप डर रहे हो कि आपके नंबर्स पूरे नहीं है. तो अगर एक बिल के लिए एक ज्वाइंट सेशन के लिए उनका नंबर्स पूरा नहीं है तो स्पीकर का जब बारी आता है और वजीर आजम का बारी आता है देखेंगे उनका नंबर.